ये तो मुझे गली लग रही थी, अब गली लग रही है बीच में। अस्सलाम वालेकुम जी। तो भाई आज हम आए हैं तुर्की शवरमा ट्राई करने, और लग तो बड़ा ही कोई खूबसूरत रहा है। अबू बहुत तारीफ़ कर रहे थे जब मैं पाकिस्तान में थी कि भाई इनका शवरमा बहुत बहुत मज़े का होता है। तो फिर इस तरह ये बना रहे थे, इनकी एक पतली सी ब्रेड होती है उसमें बनाते हैं। आप लोगों ने खाया होगा तो पता ही होगा, इनका ये गार्लिक सॉस होता है वो लगा के बना रहे थे। अच्छा, जहाँ का मेरा बहुत फेवरेट था ना पहले, जो मैं हमेशा खाने जाती थी, वो टूट गया। तो वो एक शवरमे की पूरी स्ट्रीट थी, वहाँ फ्रेश जूस और शवरमा ही मिलते थे। तो मैं उसको बड़ा मिस कर रही हूँ। जिस दिन से मैं आई हूँ ना, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उन लोगों ने अपनी शॉप कहाँ खोली होगी। तो अब वो कह रहे वो तो पता नहीं, खैर अब तो पता नहीं। बाकी बहुत चेक करें, क्या खूबसूरती नज़र आ रही है ना खानों की। तो जो लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं उनसे पूछें खाने की खूबसूरती। और ये इसके ऑनर थे तो ये कह रहे थे मेरी भी वीडियो बनाएं, तो फिर मैंने बना दी। और मतलब मैं तो लगता है दुनिया में सिर्फ खाने के लिए ही आई हूँ क्योंकि ना खाने पीने का मुझे बहुत शौक़ है। और इनका चिकन का मुझे जो है वो इतना खास नहीं लगा क्योंकि उन्होंने चिप्स डाले थे उसमें, तो चिप्स ज़्यादा हो गए थे, चिकन कम थी। और जो गोश्त का था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो था वाकई बहुत मज़े का। और ये सीखे सीखे उसका जो गोश्त है ना बिल्कुल ब्राउन ब्राउन, वो चेक करें। अच्छा, यहाँ के शवरमे में और पाकिस्तान के शवरमे में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बहुत ऑथेंटिक शवरमा था और बहुत मज़े का था। तो कभी आप लोग उम्रे पर आएँ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी। अल्लाह हाफ़िज़।